कि हमारे प्रदेश के सामने बहुत चुनौती है, बहुत बड़ा संकट है और इस सीमा तक भारतीय जनता पार्टी जाएगी कि उत्तर प्रदेश में उनकी हार ना हो। वो जानते हैं कि कोई मुकाबला कर सकता है भारतीय जनता पार्टी का तो वो समाजवादी पार्टी है, कोई दूसरा दल नहीं है। इसीलिए सबसे ज्यादा अन्याय का सामना भी अगर किसी को करना पड़ रहा है तो वो हमारे समाजवादी कार्यकर्ता और नेता हैं जिनके ऊपर अन्याय का सामना करना पड़ रहा है। और देश के इतिहास में किसी भी प्रदेश में या अभी तक के इतिहास में हाथ उठा करके देख लो, किसी नेता के साथ इतना अन्याय नहीं हुआ होगा जितना मोहम्मद आजम खान साहब के साथ अन्याय हुआ है। उनके परिवार के लोगों को जेल भेजना एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ है, षड्यंत्र के तहत हुआ है। और हमें उम्मीद है कि अभी चाहे न्याय न मिला हो लेकिन जैसे ही हम लोग और अन्य कोर्ट में जाएंगे तो हमें उम्मीद है कि न्यायालय उनकी मदद कर करके एक दिन वो वापस आकर के हम लोगों के बीच में समाजवादी पार्टी के साथ खड़े होकर के अपील करेंगे। इसलिए साथियों चुनौतियां भी हैं लेकिन अब समय नहीं बचा है। आज जब हम और आप लोग बैठे हैं तो अक्टूबर का महीना खत्म होने जा रहा है, चार पांच महीने होंगे जब उत्तर प्रदेश में चुनावी चुनाव दिखाई देगा। इसलिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी आपकी है क्योंकि बीजेपी के लोग 14 में ही आए थे यूपी से और हमें भरोसा अपने कार्यकर्ता नेताओं पर कि 14 में जो लोग आए हैं 24 में उत्तर प्रदेश से वो बाहर चले जाएंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।